तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से हमारे लव नियामतन 99 के बारे में। तो इससे पहले आप सबने देखा कि रोना काने को इशारा करती है कि उसकी अंडरवेयर और ब्रा दिखाई दे रही है बालकनी सूखी हुई, और जैसे अकाने नोटिस करती है तो भगते हुए वो अपने पैंटी और ब्रा को छुपा लेती है जिससे यामतो से ना देख पाए। खैर एनीवेज अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग में सभी देखते हैं कि यामतो को अकाने के ब्रा और पैंटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो अवॉइड करता है इन चीजों को। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकाने सभी के लिए ड्रिंक्स और स्नैक्स लेके आती है, और दूसरी ओर रोना अकाने को देखती है जहाँ पर बस देखते हुए सोचती है कि इतना ने से बताया था कि अकाने यामतो के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अकाने कभी शो ऑफ नहीं करती बल्कि हमेशा वो अपना रियल फेस सबको दिखाती है, ना कि फेक फेस। इसलिए यामतो के लिए अकाने काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। ये सारी बातें ईता अपनी बहन को बताता है और ये बात रूना सोचनी होती है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि रूना यामतो और अकाने की कपल वाली फोटो खींच लेती है और खींच कर ईता को सेंड कर देती है, जहाँ पर ईता अकाने और यामतो क्लोज देखता है और उससे अपनी बहन से बोलता है कि तुम्हें कोशिश करनी होगी यामतो और अकाने को क्लोज लाने की। ईता का ये मैसेज पढ़ने के बाद रूना सोचने लगती है कि आखिरकार उसे अब क्या करना चाहिए। फिर वो सोचते है कि शायद से मुझे मांगा जैसे कॉमिक्स की तरह अकाने और यामतो क्लोज लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब भी कॉमिक्स के अंदर कभी लड़का गलती से किसी लड़की के पार्ट को टच कर देता है तो इससे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और थोड़ी बहुत अट्रैक्शन फील होता है लड़का और लड़की को। रूना ये सारी नोटी बातें अपने दिमाग में सोच रही है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकाने अपने घर में कुकिंग कर रही होती सभी के लिए, एंड जहाँ पर रूना आती है रूना बोलती है या तुम अभी नहाने जा रही हो, जिस पर अकाने बोलते हैं कि नहीं मैं अभी नहाने नहीं जा रही हूँ। जैसे रूना ये बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, क्योंकि उसका यही प्लान था कि जब अकाने वॉशरूम में जाएगी तो वो यामतो गलती धक्का दे देगी और इससे उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बेचारी रूना। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि रूना और अकाने दोनों मिलकर कुकिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर रूना ब्रेड पर बटर लगा रहती है। एंड इसके बाद रूना बटर लगाने के बाद अकाने के मुँह में डाल देती है, जहाँ पर अकाने ये देखते हुए सोचते हैं कि आखिरकार रूना कर क्या रही है, और अकाने रूना को देखते हुए उस ब्रेड को खा लेती है, जहाँ पर रूना कब तक गुस्सा करती है कि आखिरकार तुमने क्या किया, तुम्हें इसको नहीं खाना था बल्कि तुम्हें इसे चलते हुए खाना था। और ये सारी बातें बोलते हैं रूना अकाने को धक्का मारती है, जहाँ पर जैसे वो धक्का मारती है तो वो यामतो के पीछे गिर जाती है, आई मीन उसके ऊपर गिर जाती है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जैसे अकाने यामतो के ऊपर गिरती है तो वो दोनों आपस में काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यामतो और अकाने एक दूसरे देखते हैं, और इसके बाद वो फील करते हैं कि उन दोनों को चोट आ चुकी है। एंड दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि रूना सबको देख काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यामतो की आंख में अकाने का छोटा सा बाल चला जाता है, जिसकी वजह से यामतो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और जैसे अकाने नोटिस करती है कि यामतो दर्द हो रहा है तो वो अचानक से यामतो के ऊपर चली जाती है और बोलती है कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, हकीकत में क्या हो गया। और जैसे अकाने यामतो के ऊपर जाती है तो यामतो काफ़ी ज़्यादा सही फील करता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ जाना होगा क्योंकि मुझे कुछ काम है मेरे घर पर, क्योंकि मैं कुछ टूल भूल चुका हूँ एंड मुझे वो लेकाने होंगे लैपटॉप ठीक करने के लिए। और ये सारी बातें बोलते हुए यामतो चले जाता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकाने काफ़ी सैड फील करती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद से उसने यामतो को हर्ट कर दिया है, क्योंकि यामतो को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके पास कोई भी लड़की आए, और उसे लगता है कि शायद से इसी वजह से यामतो से जल्दी भग गया है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यामतो भगते वहाँ जाने लगता है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी दिखाया जाता है कि एक लड़की स्कूल टाइम में यामतो से बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, शायद से लगता है कि हम दोनों बचपन से लेकर जवान तक साथ रहेंगे। ये सारी बातें वो लड़की यामतो से बोल रही होती है, जहाँ पर यामतो बोलता है कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्या होगा आगे जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता इस बारे में। और जैसे ही यामतो ये सारी बातें बोलता है तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। एंड इसके बाद हम सभी को पेंटिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यामतो एक शॉप पर टी लेने आया होता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जैसे वो टी मांगता है कैसी अरतें, तो वो लड़की बोलती है कि मुझे भी टी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड वो लड़की इस टी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। ये सब देखकर यामतो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर भी यामतो उस लड़की की बात को अवॉइड करता है। एंड इसके बाद यामतो वहाँ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो लड़की यामतो से नाम पूछती है और पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर यामतो बोलता है कि अभी मैं समय जल्दी में हूँ इसलिए मैं तुम्हें बात बताऊँगा। एंड इसके बाद वो लेडी वो लड़की बोलती है कि सॉरी सर मुझे माफ़ करना, लेकिन फिर भी क्या मुझे अपना नाम बता सकते हो। लेकिन यामतो उस लड़की को अपना नाम नहीं बताता, बल्कि यामतो नोटिस करता है कि
वो लड़की काफ़ी ज़्यादा साई फील करती है उससे बात करते हुए, एंड ये बात उसको काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती है कि आखिरकार ये लड़की है कौन। एंड इसके बाद यामादा वहाँ से आ जाता है और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यामादा अकाने घर फिर से आ चुका होता है। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यामादा अकाने के रूम में जाता है जहाँ वो नोटिस करता है कि रूना और अकाने समय सो चुकी होती है। एंड हम सभी नोटिस करते हैं कि अकाने काफ़ी वियर्ड लुक में सो रही होती है जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है मुझे समय तो। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यामादा उनकी चीज़ों को नोटिस नहीं करता बल्कि वो अपने काम फोकस करने लगता है, लेकिन तभी अकाने सोते हुए काफ़ी अजीब हरकत करने लगती है जिसकी वजह से यामादा अकाने को देखता है। और वो जैसे ही अकाने को देखता है तो वो देखते रह जाता है क्योंकि अकाने काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। एंड इसके बाद यामादा अपने हाथों से अकाने की हेयर क्लिप को खोल देता है जिसकी वजह से अकाने काफ़ी ज़्यादा हॉट लगती है। एंड ये हमारा जैसे अकाने को देखता है तो वो अकाने में खो जाता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि अचानक डोर पर बजती है एंड यामादा दरवाज़ा खोलने जाता है जहाँ वो देखता है कि अकाने का एक्स आया होता है जिसका नाम होता है ताकेमो। और जैसे ताकेमो यामादा को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि ताकेमो यामादा का बहुत बड़ा फैन है, इसी वजह से वो क्रेजी लुक देता है यामादा को देखते हुए। और इसके बाद सोचता है कि अकाने ने एक बार यामादा को बताया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो हमेशा यामादा की प्रोफाइल चेक कर रहता है जहाँ पर उसे कुछ भी ऐसा नहीं लगता जिससे वो दोनों कपल हैं। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ताकेमो यामादा को बोलता है कि मैं यहाँ पर अकाने को चीज़ें लौटाने आया था जो उसने मुझे दी थी। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ताकेमो यामादा को लंच बॉक्स दिखाता है जो कि अकाने ने दिया था, क्योंकि जब अकाने और ताकेमो रिश्ते में थे तब अकाने हमेशा उसके लिए लंच बनाया करती थी। और इसी बात बताते हुए ताकेमो काफ़ी तक खुश होता है और कहता है कि अकाने काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है, वो हमेशा मेरे ख्याल रखती थी। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ताकेमो अपने बैग से बहुत सारा लंच बॉक्स निकालता है जिसे देखकर यामादा काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। एंड इसके बाद ताकेमो यामादा बोलता है कि मैं यहाँ पर ये भी देखने आया था कि इस समय अकाने खुश है या नहीं, जिस पर यामादा बोलता है कि वो ठीक है एंड वो खुश भी है, तुम टेंशन मत लो। और इसके बाद यामादा ताकेमो से बोलता है कि तुम सच में यहाँ पर बस ये देखने आए थे कि अकाने ठीक है नहीं। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ताकेमो यामादा को वो साइलेंस बॉक्स दे देता है और बोलता है कि अब मुझे यहाँ जाना होगा। एंड ये सारी बातें बोलते हुए ताकेमो जाने लगता है, लेकिन अभी हम सभी देखते हैं कि वो जाते जाते भी यामादा की बहुत सारी तारीफ करता है। एंड ये सब देखकर यामादा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टिव होता है। खैर एनीवेज इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से अकाने आती है एंड इसे देख कर यामादा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। एंड वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर लंच बॉक्स मिल गए थे अचानक से, जहाँ पर उसे लगता है कि शायद से ये प्लान काम करेगा क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो बता देगा कि यहाँ पर ताकेमो आया था तो वो शायद से ताकेमो से मिलने की कोशिश करेगी, लेकिन यामादा ऐसा नहीं चाहता था। और ये सारी बातें सुनने के बाद अकाने काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शायद से यहाँ पर ताकेमो आया था। एंड ये सारी बातें सोचते हुए स्माइल करती चल रही होती अंदर। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यामादा अकाने को उसकी हेयर क्लिप देता है, और जैसे ही यामादा अकाने को उसकी हेयर क्लिप देता है तो अकाने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और सोचते हैं कि आखिरकार यामादा के पास उसका हेयर क्लिप कैसे गया, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि यामादा उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे हेयर्स को खोल देता। और ये बात सुनने के बाद अकाने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और कहती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर यामादा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैंने कब तुम्हारे हेयर्स को खोल दिया। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यामादा के पास इता कॉल आता है, जहाँ पर इता बोलता है कि आखिरकार तुम्हें कौन कौन से स्क्वायर पार्ट चेंज कराने लैपटॉप के। एंड ये सारी बातें यामादा और इता डिस्कस कर होते हैं। एंड दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि अकाने काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोचते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि अकाने एक इंटरव्यू के लिए आए होते हैं जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करने जाती है एंड वो सिलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अकाने काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकाने मोमो कॉल करती है जहाँ वो बोलती है कि अब उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल चुकी है। एंड इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश भी है क्योंकि वो चाहती है कि जो इता ने पैसे खर्च किए स्क्वायर पार्ट के लिए वो उसे वापस पे कर सके। एंड और इसके साथ साथ वो अपने पूरे ग्रुप को पार्टी देना चाहती है, इवन यामादा को भी। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकाने ये सारी बातें बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एंड दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि मोमो एक ग्रुप डेट पर आई होती है, वो भी एक ब्लाइंड डेट पर। एंड इसके बाद मोमो को एक लड़की बनाना आती है, जिसके बाद मोमो अकान से बोलती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मोमो आईने में देख के बोलते हैं कि आज मुझे कैसे न कैसे करके अपने लिए एक बी एफ ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। एंड आई होप आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ मुझे कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक क्लियर बगैस एंड सही हो नारा।